लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद म्यांमार की सेना ने आखिरकार तख्ता पलट करते हुए देश की शीर्ष नेता आंग सांग सूची को हिरासत में ले लिया। इस तख्ता पलट के म्यांमार की घरेलू राजनीति पर तो प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ ही क्षेत्र की भू राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद म्यांमार पर तेजी से चीन का प्रभाव बढ़ता गया। हालांकि पिछले कुछ समय में भारत और जापान जैसे देशों ने इस दक्षिण एशियाई देश में चीनी प्रभाव के लिए बड़ी चुनौती पेश की है। भारत और जापान ने लगातार म्यांमार की सरकार के साथ साथ म्यांमार की सेना के साथ भी अपने संबंध मजबूत किए हैं, जबकि दूसरी ओर चीनी सरकार और म्यांमार की ताकतवर सेना के रिश्तों में तनाव देखने को मिला है। ऐसे में बीते सोमवार को म्यांमार में हुए तख्तापलट में भी चीनी फैक्टर शामिल हो सकता है, जिसका सीधा फायदा भारत और जापान जैसे देशों को होगा। बता दें कि नवंबर 2020 में म्यांमार में चुनावों के नतीजों में आंग सांग सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को एक तरफा बहुमत हासिल हुई थी। चीनी मीडिया ने दावा किया था कि सूची की जीत के बाद चीन और म्यांमार के रिश्तों में बेहतरी देखने को मिलेगी। चीन ने सूची के माध्यम से म्यांमार में अपने BRI प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर भी लगाया। सिर्फ पिछले महीने ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने म्यांमार का दौरा कर देश में चीनी परियोजनाओं पर रुके काम को दोबारा शुरू करने के लिए सूची सरकार पर दबाव बनाया था। बता दें कि म्यांमार में चीन अपनी BRI परियोजना के तहत चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है, जो चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चीन म्यांमार में कई तरह के प्रोजेक्ट BRI के तहत चला रहा है, जैसे द न्यू यांगोन सिटी और चाइना म्यांमार क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन प्रोजेक्ट्स आदि। शी जिनपिंग इन सभी प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी अमंग प्रायोरिटीज भी कह चुके हैं। चीनी सरकार म्यांमार की सेना पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इन सभी प्रोजेक्ट्स को तेजी प्रदान करना चाहती थी। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर तो चीन के लिए रणनीतिक तौर पर भी बेहद अहम है, क्योंकि इसके माध्यम से चीन अपनी मलक्का स्टेट वाली समस्या को सुलझा सकता है। हालांकि म्यांमार की सेना चीनी उम्मीदों की राह में अभी सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई है। म्यांमार की सरकार पर चीन का बेहद ज़्यादा प्रभाव था, जो म्यांमार की सेना के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा था। म्यांमार की सेना को देश में चीनी समर्थक उग्रवादियों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। पिछले वर्ष म्यांमार सेना के कमांडर इन चीफ जनरल मिन ओंग ने रूस के एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था, कोई देश आसानी से अपने यहाँ आतंकियों का सफाया कर सकता है, लेकिन अगर उसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ हो तो फिर दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना चाहिए। जनरल मिन ओंग का इशारा यहाँ चीन की ओर था, क्योंकि अराकन आर्मी के पास से बड़ी संख्या में चीनी हथियार जब्त किए जा रहे थे। व्योन की रिपोर्ट के मुताबिक अराकन आर्मी को मिलने वाले 95% फंड्स चीन से ही आते हैं। दूसरी ओर पिछले 2 सालों में म्यांमार की सेना ने तेजी से भारत में अपने संबंध मजबूत किए हैं। म्यांमार में चीन समर्थित उग्रवादी संगठनों जैसे यूनाइटेड वास्तेट आर्मी, द कोंकान आर्मी और द काचीन इंडिपेंडेंस आर्मी ने म्यांमार सेना के सिरदर्द को बढ़ाया है, जिसके कारण उसने सहायता के लिए भारत का रुख किया है। म्यांमार की सेना तेजी से अब ट्रेनिंग और हथियारों के लिए भारत का रुख कर रही है। भारत म्यांमार की सेना के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट्स को भी तेजी प्रदान कर रहा है। अब जब म्यांमार सरकार पर चीन का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है, तो ऐसे वक्त में देश में तख्ता पलट होना चीनी सरकार के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इसे चीन का चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी खतरे में पड़ सकता है। म्यांमार में हो रही घटनाओं से नई दिल्ली और टोक्यो में जरूर उत्साह देखने को मिल सकता है।